पिछली वीडियो में हमने 2D मुसल्लस को 3D में बनाकर यह साबित किया था कि सेंट्रोइड से मुकाबिल साइड तक का फासला, सेंट्रोइड से मुकाबिल साइड तक का फासला वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक के फासले का आधा होता है। अब यही काम हम 2D में करके देखते हैं। तो अगर मैं एक ऐसा मुसल्लस लूं जिसमें एक मीडियन मैंने बना दिया है और मीडियन आप जानते हैं कि वर्टेक्स से मुकाबिल वाली साइड को बराबर के हिस्सों में तकसीम करता है। चंद फासले आपके सामने हैं, चंद फासले आपके सामने हैं, ये है ए और ये फासला है और ये फासला है बी। तो अगर मैं इस मीडियन की इक्वेशन बनाना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ढलान चाहिए होगी। ढलान होती है y2 - y1 over x2 - x1, delta y over delta x, ये आप जानते हैं। y2 मेरा है c/2 और y1 है 0, तो c/2 - 0 डिवाइडेड बाय x2/2 - -b, जो कि हो जाएगा +b। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास आएगा c/a + 2b। कैसे आया ये, आप भी तो कुछ करें ना, आप भी मेहनत करें। और जब हमें इक्वेशन बनानी हो तो हम जानते हैं ये होता है y - y1 = m (x - x1)। तो जनाब y - y1 क्या लिया था हमने, 0 था, इज इक्वल टू ग्रेडियंट जो हमने निकाला c/a + 2b (x - x1). x1 क्या है, माइनस बी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा x plus b हो जाएगा ये। ठीक है, इसको जरा हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देते हैं और हम चलते हैं दूसरे मीडियन की जानिब। अच्छा, अब ये दूसरा मीडियन जो है, चूंकि ये इन दोनों को बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो आप ये जानते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, -b/2 और c/2। अब इसकी ढलान क्या हो जाएगी, इसकी ढलान होगी c/2 - 0 डिवाइडेड बाय -b/2 - a, ये बन जाएगा c/-b - 2a। और इस वजह से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y - 0 हो जाएगा इज इक्वल टू c/c/-b - 2a इंटू x - x1 था हमारा a, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये चूंकि ये दोनों मीडियन, बल्कि तीसरा मीडियन भी है, तीसरे मीडियन की इक्वेशन भी, लेकिन हम नहीं जा रहे, ये जो है ये एक सेंट्रोइड में मिलते हैं, तो सेंट्रोइड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रख देंगे। तो ये जरा मैं करता हूं छोटा, तो इस सब को जरा मैं कर देता हूं छोटा, ये लीजिए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रखेंगे, x+b/a + 2b जरब सी इज इक्वल टू x - a/-b - 2a इंटू सी। इनफैक्ट अगर मैं इस पूरी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड भी करूं तो ये हो जाएगा b+2a - x+a, तो c दोनों तरफ कट जाएगा और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x+b (-b - 2a) बराबर है x - a (a+2b). मल्टीप्लाई कीजिए, तसहील कीजिए, थोड़ी मेहनत आप कीजिए, इतनी हमने की है, x = a - b/3 आ रहा है हमारा। ये हुआ हमारे सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट, जो कि आप देख सकते हैं a से b तक के फासले को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो एक तो हो गया ये, अब आ जाएं y कोऑर्डिनेट पे, तो y के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को लें और उसमें x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर ये वाली इक्वेशन लेता हूं तो इसमें हो जाएगा ये x की जगह ये पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a - b/3 - a डिवाइडेड बाय -b - 2a, जिसकी जब आप तसील करेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट आपका बनेगा c/3। यानी सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट हुआ c/3, और आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉइंट x एक्सिस से एक तिहाई के फासले पे है, या ये कहिए कि 0 से लेकर c तक के फासले को तीन हिस्सों में बांट रहा है,
जिसमें से 1/3 पे सेंट्रॉइड पाया जाता है और बाकी 2/3 जो है वो आपको कवर करने होंगे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए।